कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैम आप हमेशा मर्दों के लिए ही लेक्चर देते हो, कभी फीमेल के लिए भी कुछ ज्ञानबाजी कर दिया करो, उनके लिए भी कुछ वीडियोस बना दिया करो, उन्हें भी कुछ समझा दिया करो कि कैसे अपने पति को खुश रखा जाए। तो डियर अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना तो इसका मतलब आप मेरे चैनल पे नए हैं। अगर आप खंगोलोगे तो आपको कितनी वीडियो ऐसी मिल जाएगी जो मैंने फीमेल को टारगेट करते हुए बनाए हुए हैं, जाके देखिए आप। और चलो आपके ही कहने पे आज एक वीडियो फीमेल के ही नाम है, महिलाओं के लिए ही है, विषय आप जान ही चुके हैं, थंबनेल आपने पढ़ी लिया है कि ऐसे वो कौन से 6 तरीके हैं जिससे कोई भी महिला अपने पार्टनर को बेड पर अपने लिए पागल कर सकती है, वो उसे बिस्तर छोड़कर ना जाए इसके लिए मजबूर कर सकती है। तो वीडियो की शुरुआत करें। अब क्योंकि ये वीडियो है ही महिलाओं के लिए तो महिला यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि वैसे तो कुदरती महिला के शरीर में वो सारे गुण मौजूद होते हैं जिससे वो अपने पार्टनर को खुश कर सकती है, जैसे उसके शरीर की संरचना, उसकी बनावट, उसका उभरा हुआ शरीर। अगर आप किसी मिट्टी से बनी फीमेल की प्रतिमा को भी देखते हैं, किसी स्टैचू को देखते हैं तो आप अपनी नजरें नहीं हटा पाते, तो इस तरह का आकर्षण होता है किसी महिला के शरीर में। तो ये जो शारीरिक तौर पे उसको ये जो आकर्षण मिला हुआ है, जो कुदरती उसके अंदर है, ये तो है ही एक गुण, लेकिन इसके अलावा वो अपने अंदर कुछ और चीजें भी ऐड कर ले, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का उपयोग कर ले, तो अपने पार्टनर को, अपने पति को बेड पर अपने लिए दीवाना बना सकती है, पागल कर सकती है, अगला बिस्तर छोड़कर जाएगा ही नहीं ऐसा मजबूर कर सकती है। आमतौर पे महिलाएं खुद से बिस्तर पर पहल नहीं करती है और बहुत ही जल्दी खुद को पुरुष के हवाले कर देती है। जब नई नई शादी होती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहल कौन कर रहा है, क्योंकि दो जिस्मों की भूख होती है जो एक दूसरे से पूरी हो रही होती है और ज्यादातर जो पहल है वो हस्बैंड ही कर रहा होता है और सब चीजें नॉर्मली चलती रहती हैं, क्योंकि नए नए जिस्म होते हैं, एक आग होती है, लगे हुए होते हैं दोनों। लेकिन जैसे ही ये जिस्म पुराने होने लग जाते हैं, चीजें रूटीन में आने लग जाती है और ये जो मजा है ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और वो जो आदमी जो खुद से ही रेडी रहा करता था आपके लिए, अब ये सोचने लग जाता है कि यार हमेशा पहल मैं ही करूं, क्या ये कुछ नहीं कर सकती है, मैंने ठेका उठा रखा है। और वहां जो उसकी वाइफ है वो मन ही मन ये सोचने लग जाती है कि यार मेरा हस्बैंड अब पहले जैसा नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसे, कहीं इसका बाहर तो चक्कर नहीं चल गया है। तो डियर इन शंकाओं को दूर कीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आपकी बारी है उसको दिखाने की कि आप क्या है। वो तो 2-4 साल से आपको दिखा ही रहा है कि वो क्या है, अब आपकी बारी है उसको ये साबित करना है कि व्हाट यू आर। तो अगर आपको अपने पार्टनर को पहले की तरह अपने लिए दीवाना बनाना है, क्रेजी करना है, तो अब जो मैं 6 तरीके आपको बताने वाली हूं उस पर ध्यान दीजिए। आकर्षक कपड़े पहनिए, जब भी आप सेक्स करने के मूड में हो तो खुद को आकर्षक बनाइए। कभी सोचा है कि किचन में काम करते वक्त एप्रन ही क्यों पहना जाता है, स्विमिंग क्लास अब जब ज्वाइन करते हो तो क्यों बोला जाता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आओ, बोला करो ना कि मैं तो घाघरा चोली पहनकर ही स्विमिंग करूंगी, आपको घुसने भी नहीं देंगे वो लोग। तो क्यों होता है ऐसा, ये आउटफिट क्यों जरूरी होता है, ताकि आप कंफर्टेबल रहे, वो माहौल क्रिएट हो, वो फील आए। तो सेम वैसे ही चीज है, जब आप सेक्स करने वाले हैं, आपका मूड है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, अपने शरीर को आकर्षक कपड़ों से सजाइए, कुछ ऐसे कपड़ों का सिलेक्शन कीजिए कि आपका जो शरीर है वो और ज्यादा आकर्षक लगे और आपके शरीर के जो अंगों की बनावट है वो और ज्यादा उभर कर आए, आपके हस्बैंड को, आपके पति देव को वो आपकी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, उत्तेजना उसके अंदर पैदा करे। जो भी आउटफिट आप उस दौरान पहनोगे, चाहे वो नाइटी हो या फिर गाउन हो या कोई भी हॉट ड्रेस हो, उसका जो फैब्रिक है वो साटिन का होना चाहिए, मतलब कुछ रेशमी सा फैब्रिक होना चाहिए उसका, ताकि अगले का हाथ बार बार फिसले, वो आपको बार बार पकड़ने की कोशिश करे और बार बार आप उसके हाथों से फिसलो, तो ये चीज और ज्यादा माहौल को सेक्सी बनाती है, रोमांटिक बनाती है। अब रोमांटिक से एक बात याद आई, दूसरा पॉइंट कि सेक्स करने पे एकदम से मत टूटो, अपने पार्टनर के कानों में कुछ रोमांटिक सा गुनगुनाइए, कुछ फुसफुसाइए, ये उसकी उत्तेजना को और ज्यादा बढ़ाएगा, उसे एक्साइट करेगा, आपके लिए बेचैन करेगा। आपके किए गए ये एफर्ट्स आपके बोरिंग सेक्स को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करेंगे।
अब तीसरा पॉइंट, पति के अंगों से खेलना शुरू कीजिए। अब मान लो कि अगर आपका हस्बैंड है, वो आए और सीधा आपके ऊपर चढ़ जाए, 2 मिनट के अंदर कहानी खत्म, कैसा लगेगा आपको? मुंह बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो जब कप्तानी आपने संभाली है, आपको अपने हस्बैंड के अंदर दोबारा वो उत्तेजना पैदा करनी है जैसे पहले थी, आपको उसके अंगों से खेलना है। इसके लिए देखो आप बॉन्डेज फॉर प्ले भी यूज कर सकते हैं। एक आदमी जो कि मर्दानगी से भरपूर है, अगर आपने उसे बेड पर बांध दिया, निहत्था कर दिया और उसके बाद उसके अंगों से खेलना शुरू किया, छेड़खानी करो, कुछ कर नहीं पा रहा, तो ये चीज उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करेगी, उसे अपनी हार में भी जीत नजर आएगी, पागल हो जाएगा वो आपको लेके, यार मेरा एक बार हाथ तो खोल फिर देखता हूं मैं। तो इस तरह से उसकी बेचैनी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, अपने इन पलों को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए, आप अपने हस्बैंड के साथ कोई रोमांटिक, कोई सेक्सी मूवी भी देख सकती हैं, जिससे क्या होगा, आप दोनों को ही एक दूसरे के इंटरेस्ट का पता लगेगा, सेक्सुअल डिजायर का पता लगेगा और साथ ही साथ आपके हस्बैंड के मन में आपको लेकर काम वासना भी जगेगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, स्मूच। जब भी सेक्स की शुरुआत होती है तो किस या फिर स्मूच से ही होती है, तो ये जो स्मूच है इसे देर तक करें, इसे बेहतर ढंग से करें, थोड़ा ज्यादा टाइम दें, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके होठ सूख ना जाए। और अगर मान लो प्यास लगने लग गई है तो प्यास को भी सूखे होठों से ही बुझाओ अगर कर सकते हो तो। अपने पति का टेस्ट समझो कि उसे किस तरह की किस पसंद है। अगर उसे थोड़ा वाइल्ड किस पसंद है, वाइल्ड चुंबन पसंद है, मतलब घुस जाना ये वो, तो इस तरीके से करना शुरू करो, थोड़ा सा वाइल्ड बनो। देखो कैसे आपका जो हस्बैंड आपके लिए ललायत होता है, आपके लिए पागल होता है, आपको और ज्यादा, मतलब आप उसके साथ ही हो फिर भी उसे लगेगा नहीं कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, वो और आपके ऊपर चढ़ा जाएगा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, तेरे साथ ही तो हूं और क्या चाहिए, यही तो है पागलपन, यही तो आग जलानी है उसके अंदर के, साथ में होते हुए भी क्या चाहिए तुझे मुझसे, यही तो, इसे ही कहता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना क्रिएट करना, पागल करना अगले को अपने लिए। अब सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, ऑर्गेजम के दौरान अपने हस्बैंड को अपने चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाने ना भूले, अपनी मॉर्निंग, अपने चेहरे के हाव भाव उसे दिखाइए, ये उसके अंदर और ज्यादा उत्तेजना पैदा करेगा और ज्यादा वो आपको पाने की कोशिश करेगा। तो ये थे वो सारे 6 तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ का मजा और ज्यादा बढ़ा सकते हो, अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को खुद के लिए पागल दीवाना बना सकते हो। देख करके देखिए और बताइए फिर मुझे कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस।